दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप खुद को भारत के रिच लोगों की लिस्ट में शामिल करना चाहते हो तो इसके लिए आपकी नेटवर्क 1,45,00,000 रुपए होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे इंडिया में एवरेज सैलरीड एम्प्लॉयड अपने पूरी लाइफ में 8 to 5 की जॉब करके भी 1,45,00,000 रुपए नहीं कमा पाते हैं। इवन 80% लोग हमारे इंडिया में ऐसे भी हैं जो महीना खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर चुके हैं। और हमारी आज की यूथ तो इनसे भी एक कदम आगे हैं। वह मंथ के एंड होने के 15 दिन पहले ही अपनी पूरी सैलरी खत्म कर देते हैं, यानी बाकी के 15 दिन वे उधार लेकर अपना खर्चा निकालते हैं। वैसे यह हाल सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी आपको ऐसे ही कई लोग देखने को मिल जाएंगे। अब आप इन लेडी को ही देख लीजिए जो कि यूके की रहने वाली हैं और प्रेजेंट में यह करीब 8,00,000 रुपए के कर्ज में डूबी हुई हैं। और शायद आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि इस लेडी की मंथली सैलरी 2,00,000 रुपए के आसपास है, लेकिन फिर भी ये अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस की वजह से अपना कर्ज नहीं चुका पा रही हैं। दोस्तों अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ भी लोग अननेसेसरी खर्च करने में पीछे नहीं हैं। ऐसे में 1,45,00,000 रुपए कमाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ लोग 50,000 रुपए की सैलरी में भी 10,000 रुपए की सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। और भगवान ना करे ऐसे में अगर उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो फिर उनके पास उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उनके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं रहता है। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो फिजूल खर्च भी नहीं करते हैं फिर भी हमारी सेविंग्स नहीं हो पाती है। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हो तो आपको यह वीडियो पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर मिडिल क्लास लोग जाने अनजाने में अपना पैसा बर्बाद करते चले जाते हैं। नाउ लेट्स द वीडियो स्टार्ट। नंबर 1, इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग्स। दोस्तों एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 79% लोग इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग हैबिट के शिकार हैं। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हाल में ही फ्लिपकार्ट और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल के 4 दिन के अंदर 11,000 करोड़ रुपए के मोबाइल बिके थे। अब इन सेल से कंपनी तो बहुत पैसा कमा लेती है, लेकिन जो लोग इन सेल में हद से ज्यादा खरीदी कर लेते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी कई महीनों की सेविंग्स एक झटके में खत्म हो जाती है और वह उन प्रोडक्ट्स पर जिनकी उनको कोई जरूरत भी नहीं थी। दोस्तों सेल का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले यह आता है कि वे खूब सारी शॉपिंग करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग सेल में इतनी ज्यादा शॉपिंग क्यों कर लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है फोमो इफेक्ट। लोगों को लगता है कि अगर वे इन ऑफर्स को मिस कर देंगे तो वे अपने साथ के लोगों से पीछे रह जाएंगे। ऐसे में अधिकतर लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते सेल से कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, और कई बार तो लोग उन सामान को भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें तुरंत जरूरत भी नहीं थी। एज अ एग्जाम्पल, सेल में 20 किलो के डिटर्जेंट का पैकेट अगर थोड़े से भी सस्ते रेट से मिल रहा है तो भले ही किसी के घर में हर महीने सिर्फ 2 या 3 किलो ही डिटर्जेंट खर्च होता हो, लेकिन फिर भी वे 20 किलो का पैकेट खरीदने के सोचने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके पैसे बचेंगे। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। इन अननेसेसरी चीजों को खरीदकर या तो हम अपने पैसे बहुत सारे बचा लेते हैं या फिर हम एक बार में ही अपने महीने की सैलरी से लेकर सारे सेविंग्स को एक बार में उड़ा देते हैं, जो कि बेवकूफी के सिवा और कुछ नहीं है। नंबर 2, शो ऑफ। दोस्तों अगर इंडिया में शो ऑफ का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखना हो तो आप किसी की शादी में जाकर देखें, जहां ज्यादातर पिता अपनी ईयरली सैलरी का 6 गुना पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं। इवन कुछ पिता तो ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर 1-1 रुपया जोड़ते हैं और वह सारा पैसा सिर्फ एक दिन में अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं। कई बार खर्च करना लोगों की मजबूरी होती है, तो वहीं ज्यादातर समय लोग दूसरों को दिखाने के लिए भी इतना सारा पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों जिनके पास पैसा है वो भी खर्च करते हैं इसमें, और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी इसमें खर्च करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता है वो कहीं से लोन लेकर फिर शादी में पैसा खर्च करते हैं, और इस लोन की रकम 5,00,000 रुपए से लेकर 50,00,000 रुपए तक हो सकती है। दोस्तों यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि हम इंडियंस मिडिल क्लास लोगों में गोल्ड खरीदना कितना बड़ा ट्रेंड है। हमारे यहाँ की शादियों में अगर आप
महिलाओं पर ध्यान देंगे तो वह आपको चलती फिरती सोने की खदान नजर आएंगी। इवन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में लगभग 75% लोग गोल्ड सिर्फ इसलिए बाय करते हैं ताकि वह शादियों में अपनी सोसाइटी और रिलेटिव के सामने शो ऑफ कर सके। वैसे शो ऑफ को एक नशा भी कहा जा सकता है जिसकी लत आज लगभग हर इंडियन को लग चुकी है। दोस्तों इंडिया में कई बिजनेस आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका धंधा इन महंगी शादियों की वजह से ही चल रहा है। अगर महंगी शादियां होना बंद हो जाएं, तो इन लोगों का धंधा भी तुरंत ही बंद हो जाएगा। और सिर्फ शादियां ही नहीं, घर लेना हो, गाड़ी लेना हो या फिर कोई मोबाइल फोन ही क्यों ना लेना हो, शो ऑफ के चक्कर में इन चीजों पर अपनी औकात से ज्यादा ही खर्च कर देते हैं ऐसे लोग, जो कि आगे चलकर इन लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। इसलिए दोस्तों शो ऑफ के चक्कर में अननेसेसरी चीजों में कभी भी अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। नंबर 3, लेट्स फोकस ऑन हेल्थ। दोस्तों अब भी हेल्थ की बात होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो मोटे हैं या फिर पतले हैं, उनका पेट बाहर निकला है। पर दोस्तों रियलिटी में मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, CDDEP यानी कि सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में हर साल लगभग 6 करोड़ लोग अपने मेडिकल एक्सपेंस की वजह से ही पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि यह हमारे टोटल पॉपुलेशन का 7% है। दोस्तों आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ फ्यूचर में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसकी तैयारी आपको पहले ही से करनी चाहिए। आपको अननेसेसरी चीजों में पैसा खर्च ना कर आपको ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। जैसे आप किसी जिम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन में फास्ट फूड और जंक फूड की जगह आपको हेल्दी फूड या फिर नट्स को शामिल करना चाहिए और एक हेल्थ डाइट को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आपको अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जब भी कभी आप या आपके फैमिली मेंबर में कोई बीमार पड़े तो इलाज के चक्कर में आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स एक झटके में ना खत्म हो जाए। नाउ पॉइंट नंबर 4, दोस्तों यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास आपको क्रेडिट कार्ड देखने को जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड का एक बड़ा फायदा ये भी है कि क्रेडिट कार्ड रहने से लोगों के पास कैश लेकर घूमने की कोई चिंता नहीं पड़ती है। कभी भी पैसों की जरूरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। उस पेमेंट को ग्रेस पीरियड में बिना इंटरेस्ट के लौटाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। दोस्तों जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा कर्ज आप पर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन वह उस पेमेंट को ग्रेस पीरियड में लौटा नहीं पाते हैं, जिससे उनके ऊपर इंटरेस्ट के साथ साथ धीरे धीरे कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, पर दोस्तों आप ध्यान रखें क्रेडिट कार्ड को अननेसेसरी बिल्कुल भी ना यूज करें। इसके फायदे और नुकसान दोनों ही आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ नंबर 5, दोस्तों एजुकेशन एंड कोचिंग क्लासेस। दोस्तों सुनने में शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि हम मिडिल क्लास लोग एजुकेशन में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ाई को वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, पर दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जाने बिना ही बस उनको पढ़ाते चले जाते हैं, यानी कि लोग देखते नहीं है कि बच्चे का आखिर मन किस जगह पर लग रहा है। कुछ बच्चे पढ़ाई में ना अच्छे होकर बल्कि स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है। बट आजकल मिडिल क्लास फैमिली को अपने बच्चे से एक ही चीज चाहिए, वो है अच्छी सी जॉब। बस बच्चा उनका एक अच्छी सी जॉब पाले, उनको लगता है उसके बच्चे और उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल आप कोटा में देख सकते हैं, जहां पर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को IIT या फिर मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। शायद यह जानने में आपको शॉकिंग लग सकता है कि यहां पर 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की फीस की डिमांड की जाती है। दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी करके भी इन सब चीजों का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है। आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिन्होंने खुद सेल्फ स्टडी करके भी ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्रैक किया है और अच्छी जॉब पाई है। तो दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं
और आप इतने रुपए का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को इनकरेज करना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। और दोस्तों सेल्फ स्टडी में आप उसको जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं आपको उतना ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।